इन द नेम ऑफ अल्लाह दोस्टिस आई एम प्रोफेसर वेल आज हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नावल की समरी का पार्ट वन सी यानी लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वेन रेल्फ डिमांडेड फॉर पेगीज जब रेल्फ ने पेगी के चश्मे का मुतालबा किया जैक एंड स्टैप्ड एट रेलफ चेस्ट विद जैक धोड़ा और रेलफ के सीने पे अपने नेज़े के साथ हमला कर दिया रेलफ सेंस द पोजीशन ऑफ इस वेपन रेलफ़ ने उसके हथियार की पोजीशन यानी रुख समझ लिया एंड कॉट जैक्स आर्म एंड थ्रस्ट हिम असाइड। और जैक के बाज़ू को पकड़ा और उसको एक तरफ धक्का दिया देवर चेस्ट टू चेस्ट वो सीना बस सीना थे ब्रीदिंग फेयरसली ज़ोर जोर से सांसें ले रहे थे पुशिंग एंड ग्लेयरिंग और धक्के दे रहे थे और गुस्सा कर रहे थे जैक गेव अ ब्लव स्पियर दैट फेल डाउन एट हिज फिंगर्स जैक ने अपने नेज़े के साथ एक चोट लगाई जो उसकी उंगलियों के ऊपर गिर गया पिगी हैड देड देयर फॉर गेटिंग बैक फायर एंड स्पेक्टल्स पिगी ने मासूमियत के अंदाज में कहा कि वो तो वहाँ पर आग लेने और उसका चश्मा लेने गए थे सो द सेविज़ मॉकड देयर डिमांड एंड देयर इंटेंशन ऑफ मेकिंग सिग्नल फायर वैशी उनके मुतालबे और उनके सिगनल फायर यानी आग जलाने के लिए जो उनका इरादा था उस पर मजाक करने लगे हंसने लगे पी गी एक्सप्ल टू दैम द डिफ्रेंस बिटवीन सिविलाइज्ड एंड द सेविज़ ने उनको महजब और वैश्यों के दरमियान फ़र्क वाजे करके बताया एंड लाइफ विद रूल्स एंड विदाउट रूल्स और जिंदगी जो कवानीन के साथ हो और वो जिंदगी जो कवानीन के बग़ैर हो एंड आस्ट दैम व्हाट वॉज बेटर और उनसे पूछा कि क्या बेहतर था जैक वॉज यलिंग जैक चिल्ला रहा था एंड रेल्फ कुड नाट मेक इन सेल्फ और रेल्फ की बात सुनाई नहीं दे रही थी फ्राम हाई ओवर हैड राजर लींड ऑल हिज वेट ऑन आवर ऊपर पहाड़ी से राजर ने सारा अपना वज़न एक लीवर पे यानी वज़न गिरायानी ऊपर लेटा उसके ऊपर सो एंड अवी रॉक फेल और एक भारी पत्थर गिर गया ये जैक का एक मनसूबा था कि वो कोई भी नीचे आएगा तो वो उसको मार देंगे लीवर को लीवर से पत्थर हटाकर एंड स्टक पिगी एंड स्मैश्ड हिज हेड एंड किल्ड हिम और वो पिगी को लगा और उसके सर को फोड़ दिया और उसको मार दिया हिज बॉडी वॉज गॉन विद द वेव ऑफ द सी और उसका जो जिसम था डेड बॉडी वो समंदर की लहर के साथ चला गया जैक सेड टू रेल्फ स्क्रीमिंग वाइल्डली ही मैंट दैट जैक ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रेल्फ को कहा कि उसका मतलब यही था कि वो किसी को भी मार डालेंगे इट वॉज नॉट रेलफ ट्राइब और ये कहा कि ये रैलफ का कबीला नहीं था हेज़ कॉन्च वज़ गॉन उसका कॉन्च भी आ, चला गया यानी पिगी मर गया बेचारा और उसका उसके साथ जो कॉन्च था वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया सो ही रैन फॉरवर्ड एंड शाउटेड दैट ही वॉज द चीफ और वो आगे बढ़ा चिल्ला कर कि वही सरदार था यानी वही सरदार है विशियसली ही अ आसपियर एट रेलिफ वैशाना तौर पर उसने रेलिफ के ऊपर नेजा फेंका एंड टोर स्किन एंड फ्लैश ऑफ रिब्स और उसके बाज़ों का गोश्त और उसकी चमड़ी उतार दी तोड़ दी सो जैक थ्रू एन अदर स्पेयर जैक ने एक और uh, नेजा फेंका दैट वेंट पास्ट हिज़ फेस जो उसके मुंह चेहरे से गुजर गया जैक्स हंटर्स अटैक्ट हिम बट ही टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्पियर्स जैक के शिकारियों ने भी रेल्फ पे हमला किया लेकिन वो घूमता uh, हुआ गया यानी तो इस तरह से उसको नेजा कोई नहीं लगा एंड हिड इन द फॉरेस्ट और वो जंगल में चुप गया जैक कंपेल्ड सैम एंड एरिक टू ट्राइब जैक ने सैम और एरिक को भी मजबूर किया कि वो उसके कबीले कबीले में शामिल हो जाएं एंड दे हेल्पलेसली रिमेंड देयर और वो और मददगार उसके कबीले में ही रहे रेल्फ हेड इम इन जंगल नियर द कैसे रॉक रेल्फ ने अपने आप को जंगल में छुपा लिया कैसल रॉक के करीब ही ये कैसल रॉक जैक का इलाका था एंड ही वॉज स्क्रैच्ड एंड ब्रूज फ्राम द फाइट फ्लाइट थ्रू द फॉरेस्ट और वो बेचारा जख्मी था वो जो जंगल के जरिए भागा था तो उसमें झाड़ियों में जख्मी भी हुआ रेल्फ कुर्सी बिल हु हैड बिकम अ हुज वहाँ से रेल्फ बिल बिल्कुल देख देख सकता था कि वो भी वो भी एक वैशी बन गया था जो पहले मासूम हुआ करता था एंड रॉजर ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ़ और रॉजर भी चोटी पे बैठा हुआ था पहाड़ी के आ, पहाड़ी की चोटी पर ही वॉज़ फेलिंग हंग्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग रैलफ को पहली दफ़ा सुबह भूख लगी थी ये सी रॉबर्ट और वो रॉबर्ट को भी देख सकता था द वॉच मैन बींग गिज पोर्शन ऑफ मीट वो वॉच मैन था जिसको अपना हिस्सा गोश्त का मिला था यूट फ्राम द जंगल एंड वेंट आउट टू द बीच रेल्फ ने जंगल से फ्रूट खाया और वह बीच पे चला गया सो देर वॉज नो फायर नो स्मोक एंड नो रेस्क्यू वहां पर कोई आग नहीं थी कोई धुआं नहीं था कोई बचाने का इंतजाम नहीं था बचने का सो ही वेंट थ्रू फॉरेस्ट टूवर्ड्स जैक्स एंड ऑफ द आईलैंड और वो जंगल में गया जैक की जो जजीरे का आखिरी हिस्सा था यानी जो uh, जैक की हद का आखिरी हिस्सा था वहाँ गया एंड देन ही रीस्ट आर क्लियरेंस इन द फॉरेस्ट और वहाँ पे जंगल में एक खाली जगह थी वहाँ पहुँचा वे आर यू सॉ अ स्कल फिक्सड अपॉन आ स्टिक जहाँ पे उसने एक खोपड़ी देखी जानवर की जो किसी छड़ी के ऊपर लगी हुई थी ही फियर्सली हिट द फिल्थी थिंग उसने उस गदली सी गंदी सी चीज को जोर से लात मारी एंड फ्रॉम अ क्रैक और उसने उस छड़ी को एक टूटी हुई जगह थी वहां से तोड़ दिया एंड मेड एस्पियर और एक नेज़ा बना दिया ही वेंट टूअर्स कैसल रॉक और वो कैसल रॉक की तरफ चला गया एंड सॉ दैट स्पीय दंटर्स फॉर रेडी और उसने देखा कि शिकारी के नेजे तैयार थे ही वॉज अ लॉन एंड टायर्ड वो अकेला था और थका हुआ था बट कु वो सो नहीं सका ही वॉज एन आउट कास्ट वो अभी जला वतन था निकला हुआ था अकेला ही घूम रहा था बिकॉज ही हैड सम क्योंकि उस बेचारे के पास कुछ समझ थी उसको कुछ समझ थी सो दे आर वर साउंडस कमिंग फ्राम बिहड द कैसर रॉक वहाँ पर कैसल रॉक के पीछे से आवाज़ें आ रही थी किल द बीस्ट कट हिस्स थ्रोट स्पिल द ब्लड एवरी थिंग वॉज गॉन अभी फ़क्त यही आवाज़ें आ रही थी जैक और उसके शिकारियों की हर चीज़ चली गई थी पिगी वॉज किल्ड पिगी भी मारा गया था सैम एंड एरिक वर विद दैविज़ सैम और एरिक भी वैश्यों के साथ थे देर वॉज़ नो चांस ऑफ मेकिंग एन आउट लॉ ट्राइब एट ददर एंड ऑफ दिल्ड वहाँ पर अभी कोई भी आ, चांस नहीं था मौका नहीं था कि रैलफ कोई एक और कबीला बना दे जो उन से अलग हो यानी उस जज़ीरे पर जजीरे की आखिर में या किसी और जजीरे की साइड पर ही करोल्ड नियर द कैसल रॉक उसने कैस ट्राक के उप, आ, करीब जो है वो रिंगता गया एंड फाउंड द लेज ऑफ एंट्री इन हिज ग्रेस्क उसने देखा कि दाखला का एक रास्ता था तो वहाँ से उसको हाथ से महसूस हुआ कि वहाँ से वो एंटर हो सकता था दाखिल हो सकता था द लुक आउट्स फर अब हिम और ऊपर जो पैरा देने वाले थे वो उनके जो मोर्चे थे वो ऊपर ही थे एंड ही कुड सी द एंड ऑफ़ स्पीयर प्रोजेक्टिंग ओवर द रॉक और वो देख सकता था कि एक नेज़ा पहाड़ी के ऊपर से निकला हुआ था ही कॉल सैम एंड एरिक स्लोली उसने सैम और एरिक सो एरिक को आस्था से बुलाया वैन ही वॉज एट लेवल विद द ट्विंस वो जब उन जुड़वा भाइयों के बराबर था ही कॉल दैम तो उसने उनको बुलाया एंड दे ट हिम अबाउट द डेंजर देट दर्विज़स गोइंग टू किल हिम द नेक्स्ट डे तो उन्होंने रैलफ को ख़तरे के बारे में आगाह किया कि वो जो वैशी हैं उनको अगले दिन मार डालेंगे रैलफ ऑफर दैम टू तो गो विदैम रैलफ ने उनको पेशकश की कि वो उसके साथ चले जाएँ और जाके वो एंड थ्री ऑफ देम वुड मेक एन अदर ट्राइब और ये तीन जो हैं अपना एक और कबीला बना लेंगे सैम सेड दैट ही डिड नॉट नो राजर टेरर सैम ने कहा कि वो राजर को नहीं जानता वो एक आ, ख, आ, खौफनाक शख्स है ही गेफ हिम आ पीस ऑफ मीट तो उसने रेल्फ को एक गोश्त का टुकड़ा दिया इन सेड दैट ही शुड गो अवे और कहा कि वो चला जाए वहाँ से ही आस्ट देम वॉच वर गोइंग टू डू विद हिम और रेल्फ ने उनसे पूछा जुड़वा भाइयों से कि उसके साथ वो वैशी क्या करने वाले थे ही गॉट द आंसर वैन ही सॉ रॉजर स्टिक एट बोथ हैंड्स उसको जवाब मिल गया जब जब उसने देखा चोरी छुपे कि रॉजर एक छड़ी को दोनों छेड़ों से तेज कर रहा था रेल्फ हिड हिम सेल्फ एन आथिक क्लोज टू देम रेल्फ ने एक झाड़ियों के झुंड में दरख्तों के झुंड में अपने आप को छुपा लिया उनके करीब ही सो देट दे माइट नॉट सस्पेक्ट ताकि उनको शक न हो रेल्फ हार्ड द क्राइज ऑफ सैम एंड एरिक बिकॉज जैक वॉज टॉचरिंग वन ऑफ देम जैक ने सैम और एरिक की चीखें सुनीं क्योंकि जैक उन में से एक को तशद का यानी तद कर रहा था एक के ऊपर सो रेल्फ स्लेप्ड देयर एट नाइट रेल्फ वहाँ पे रात को सो गया सो गया एंड व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग जब वो सुबह उठा ही कुड हियर द दॉइस ऑफ द सेविच ट्राइंग टू सर्च हिम आउट वो सुन सकता था कि वहाँ पे सुन रहा था कि वो जंगली उसको तलाश कर रहे थे उनकी आवाज़ें आ रही थी रेल्फ एंड अपर्ड फॉर बैटल रेल्फ ने अपनी छड़ी उठाई और जंग के लिए तैयार हुआ दे वर रोलिंग डाउन टू क्रश द करश रोलिंग डाउन स्टोन्स टू क्रश द थेकिस वेयर रेल्फ वॉज हाइडिंग और वो पत्थर गिरा रहे थे पहाड़ियों से कि वो उस जगह पे मारें जहाँ पे रेल्फ छुपा हुआ था जैक पुट द फॉरेस्ट ऑन फायर टू स्मोक हिम आउट रेल्फ ने सारे जंगल को आग लगा दी कि धुआं धुआं करके वो उसको निकालें ताकि धुएं से रेल्फ बाहर निकल आए रेल्फ केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस मेड हिज वे टूर्ड्स बीच फाइटिंग विद मैनी रेल्फ बाहर आया अपनी खुफिया जगह से जहाँ वो छुपा हुआ था और अपन अपना रास्ता उसने बीच की तरफ लिया बीच की तरफ चला गया कई वैश्यों के साथ लड़ाई करता गया सो ही फेल डाउन देयर इन टेरर अभी ख़ौफ में वो वहाँ पे गिर गया एंड एग्जॉशन और थकन में जैक्स हंटर्स वर क्लोज टू हिम जैक के शिकारी उसके करीब ही थे बट ही वरप्राइज टू सी अ पर्सन बैंडिंग ओवर हिम लेकिन वो ताजुब में पड़ गया एक शख्स को देखकर जो उसके ऊपर झुका हुआ था इट वॉज अ नेवल ऑफिसर लुकिंग एट हिम इन astonishment, वॉज डाउटफुल एट फर्स्ट वो एक नेवल ऑफिसर था जो उसके ऊपर हैरत से देख रहा था वो उसे पहले शक था कि पता नहीं क्या बात है देनी टुक हिज हैंड अवे फ्रॉम हिज रिवॉल्वर उसके बाद उसने अपने रिवॉल्वर से हाथ ऊपर हाथ उठाया ही सेड हेलो टू रेलफ़ उसने रैल्फ को हेलो कहा बीइंग कॉन्शियस ऑफ हिज अपीयरेंस यानी उसका हुलिया देखकर उसे पता चल गया ही शायली सॉरी बीइंग कॉन्शियस ऑफ़ हिज़ अपीयरेंस रैलफ ने अपने हलिया को देखकर कर uh, क्योंकि उसे वो uh, बा होकर ही शायली रिस्पोंडेड सेइंग हेलो टू द ऑफिसर उसने शर्मसारी से ऑफिसर को हेलो का जवाब दिया व्हेन द ऑफिसर आस्क्ड हिम इफ देर वर एनी एडल्ट्स जब ऑफिस ऑफिसर ने रैलफ से पूछा कि क्या कोई बड़े थे वहां पर ही नोडेड नो तो उसने सर इला के कहा नहीं अदर बॉयज अपीअर्ड विद पेंटेड फेसेस एंड शार्प स्टिक्स इन देयर हैंड्स और लड़के जो के पेंट किए हुए चेहरों के साथ और तेज़ की हुई छड़ियों के साथ जो उनके हाथ हाथों में थी वो ज़ाहिर हुए सीइंग देम उनको देखकर द ऑफिसर थॉट दैट दे वर प्लेइंग गेम्स एंड हैविंग फन ऑफिसर ने सोचा वो शायद कोई गेम्स खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे द ऑफिसर सॉ रीच्ड द कोकोनट दटफ्स ऑफिसर ने आग देखी जो कि नारियल के दरख्तों को घेरे में ले लिया था जिस आग ने घेर लिया था यानी वहाँ तक वो आग पहुँच चुकी थी ही स्माइल्ड एंड सैट देट ही सॉ देर स्मोक वो मुस्कराया और कहा कि वो उनका धुआं देख कर आया था उसने उनका धुआं देखा था एनिया देर वॉज अ फाइट और ऑफिसर ने पूछा कि क्या कोई वहाँ पर लड़ाई थी लड़ाई चल रही थी रेल्फ नो डेड रेल्फ ने सर हिलाकर कहा हाँ एंड दफिसर अंडरस्टुड सींग दगली पेंटेड फिगर्स ऑफिसर समझ गया वो जो गदली सी पेंट गदले से पेंट किए हुए चेहरे थे तो उनसे पता चल रहा था कि ये लड़ाई हो रही थी ही आस्ट इफ़ देर वर एनी कैजुअलिटीज़ और डेड बॉडीज तो ऑफिसर ने पूछा क्या वहाँ पर कोई लाशें या कोई आ, यानी हादसा हुए हैं सो so, रेल्फ सेट ओनली टू वर्ल्ड रेल्फ ने कहा कि हाँ फकत दो मारे गए थे द होल आयलैंड बाई फ्लैंड और सारा जो जजीरा था वह शोलों की जद में आ गया था यानी दिसर ने सिटी बजाई एंड अदर बॉयज अपियर और लड़के भी ज़ाहिर हुए दस्ट इफ देर ब्रिटिश ऑफिसर ने उनसे पूछा क्या वो सारे बरतानवी थे एंड हाउ दे लिव देयर और वहाँ पे वो कैसे रहे थे सो रेल्फ टोल्ड हिम दैट इन द बिगनिंग इट वाज बेटर रेल्फ ने उनको बताया कि इब्ता में तो बेहतर था उनका रहना वहाँ पर ही स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स रिमेंबरिंग साइमन एंड पिगी और वो आंसू बहाने लगा साइमन और पिगी को याद करके जो बेचारे मारे गए थे ही वेप्ड फॉर द लॉस ऑफ इनोसेंस वो मासूमियत के जाने की वजह से रोया कि मासूमियत उनमें से चली गई और वैश वैशत वाला वालापन आ गया सो एंड द डार्कनेस ऑफ मैंस हार्ट और इंसान की के दिल का जो जो तारीकी वाला वालापन है यानी रूप है वो ज़ाहिर हो गया सो अदर बॉयज़ also started weeping, और लड़के भी रोना शुरू हो गए The officer gave them time to pull themselves together। ऑफिसर ने उनको वक्त दिया ताकि वो अपने आप को ठीक कर लें And putting away his gaze towards the trim cruiser in the distance, और उसने ऑफिसर ने अपनी नज़रें अपनी आँखें उस trim cruiser यानी एक कश्ती जो खड़ी थी बोट थी उसकी तरफ करके उनको वक्त दिया कि वो अपने आप को ठीक कर लें यहाँ पे नावल ख़त्म होता है आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू इफ यू फाइंड दिस यूजफुल लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस थैंक यू फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज